अभी मैं जा रहा हूँ कार को वॉश कराने के लिए। वैसे शाम का प्लान हमारे बाइक से है, पर पता नहीं क्यों कार को वॉश कराने जा रहा हूँ, क्योंकि कार इतनी गंदी। मैं दिखा देता हूँ कार की हालत, देखो कितनी गंदी है। बाइक की भी सिमिलरली गंदी है, बट गाड़ी को वॉश कराने का मन है। पापा कह रहे थे वॉश करा लो, इतना गंदी क्यों रखते हो कार को। और अभी वैसे मैं प्रभजोत के पास जाऊंगा इसके बाद, उससे पहले छोटा सा काम है वो भी करना है। सो व्हाट्सअप पीपल, कुलदीप दिस साइड बैक विद अनदर वीडियो। चलिए शुरू करते हैं व्लॉग को। चलने से पहले मुझे पीछे डब्बा दिखाई देगा जो मैंने बेटियों को कमाल है कि डब्बा पीछे रख दिया था। मैं कह रहा था कि इसको क्यों रख रहे हो, पापा कहीं जाना था, गिफ्ट देना था, तो उन्होंने अपनी तरफ से गिफ्ट तैयार किया था। वैसे गिफ्ट तो क्या था, ये ऐसे ही बॉक्स बना लिया था। कार वॉश पास में ही करानी है, बट मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ, उसको प्रेस कर रहा हूँ, वाइपर चल रहा है पर पानी नहीं निकल रहा है। ये मैंने पहले भी दिखाया था शायद वीडियो में, पता नहीं, याद नहीं मुझे, बट जैसा भी है इसमें पानी भी डलवाना है। उनसे डलवाते हैं, कहाँ के डलवाते हैं पता नहीं। आजकल का रूटीन बिगड़ गया, गोवा से आए ना तब से रूटीन बड़ा अजीब हो रखा है, और गला भी थोड़ा सा अजीब हो रखा है। तो बस मतलब सब कुछ ही अजीब चल रहा है। बाकी दो दिन में रिकवरी तो लगते ही है, बट रिकवर कर जाएंगे, जल्दी रिकवर कर जाएंगे। बाकी वेदर भी चेंज हो रहा है दिल्ली में भी, और वहाँ पे भी वेदर एकदम से सडनली चेंज हुआ था, तो इसलिए थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, अजीब सा फील हो रहा है। बाकी आज हम बाइक चलाएंगे तो बड़ा मस्त मज़ा आने वाला है, क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो गया कि बाइक चलाएं, और बाइक चलाने का पूरा मन है। एक टूर से तो आगे, बट दूसरे टूर की तैयारी है। इस बार जाने वाले हम बाइक से, और इस बार भयंकर वाला टूर होने वाला है। बाकी विंड चलती है, जो इससे क्या होता है क्रैकलिंग का साउंड आता है, इसलिए मैंने माइक चेंज किया था, बट आज फिर से विंड चल पड़ी। बट क्या करें यार, छोटा वाला माइक है ना वो मिल नहीं रहा, क्योंकि घर में सारी इधर उधर और का सामान, देखते हैं अगर जल्दी से मिल जाता तो बेटर रहता यार। अभी प्रभजोत से बात हुई, मैं तो कह रहा था बाइक को कैंसिल करते, बट नहीं, उन्होंने बोले बाइक से कैंसिल नहीं करते, मन है, मौसम अच्छा हो रहा है, धूप में चलाने का मन नहीं करता, तो सोचे बाइक से ही चलेंगे, तो चलो मैं बाइक से ही चल लेंगे। इट्स रेनिंग, तो बारिश आ गई है, तो भाई तो अंदर घुस जाते हैं। कार की केयर कर ली, वो अपनी केयर करने के बारे में रिसेंटली स्टार्ट किया वाव के स्किन साइंस के ओनियन रेंज को, जिसमें आता है ओनियन ब्लैक शीट हेयर ऑयल, जो कि कॉम एप्लीकेटर के साथ आता है, जिसकी हेल्प से आप अच्छे से ऑयलिंग कर सकते हो, एंड ये आपके ऑयल को डीप रूट तक ले जाता है। और इसमें आता है ओनियन ब्लैक शीट ऑयल, आलमंड ऑयल, कास्टर ऑयल, ऑलिव ऑयल, जो कि आपकी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है और बाकी आपके हेयर को नरिश करता है। अब इसको थोड़ी देर अप्लाई कर लेता हूँ, उसके बाद मैं इसको वॉश कर लूँगा। अभी मैं बाहर आके, बाहर आने का रीज़न है कि मैं बाइक की हालत दिखा दूँ कितनी गंदी हो रही है। इसको भी मैं शायद बाद वॉश कराऊँ। सो इससे पहले मैं इसको कोल्ड स्टार्ट कर लेता हूँ, काफ़ी टाइम हो गया, मैं गोवा गया तो उससे पहले मैंने स्टार्ट की थी, उसके बाद मैंने अब तक स्टार्ट ही नहीं करी है। बाइक का कोल्ड स्टार्ट हो चुका है, अब मैंने सारा इंस्पेक्शन कर लिया, टायर के प्रेशर वगैरह चेक कर लिए, सारे ओके है, कोई पंचर वगैरह नहीं है, क्योंकि यार बहुत टेंशन होती है, ऐसा लगता है कि पंचर वगैरह है या नहीं है। सो अभी अंदर चलते हैं और हेयर वॉश को कर लेते हैं। अभी मैंने ओनली शैम्पू से हेयर वॉश किया है, जो कि हेयर को मॉइस्चराइज करता है, साथ के साथ वीक हेयर को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। बाकी इसमें विटामिन ई होता है, जो कि हेयर को हेल्थी रखता है, साथ में टेक्सचर को भी इंप्रूव करता है। आज मैं कंडीशनर स्किप करके हेयर मास्क का यूज करूँ, क्योंकि हेयर मास्क को वीकली यूज कर लेना चाहिए। अभी मैंने हेयर मास्क लगा लिया, मैं इसको 15 से 20 मिनट हेयर मास्क को लगा के रखूंगा, तब तक बाहर चलते हैं थोड़ा सा, मतलब 15-20 मिनट क्या करेंगे खड़े होके, तो बाहर जाकर थोड़ा एंजॉय करते हैं, फिर उसके बाद वापिस आते हैं, फिर इसको मैं वॉश कर लूंगा। कहाँ जाना बेटा? कहाँ पे? क्या है? आई थे। अच्छा चलो ठीक है, तुम जाओ यार, तुम बुला लिया तुम्हें, गलती कर दी हमने, हम सोच रहे थे कि नहा लोगे तुम, और नहाओगे भी नहीं तुम, किधर गए थे पढ़ाई करने? अच्छा तो पढ़ाया, अच्छा इतना पढ़ाई करने वाले हो गए आप हैं? हां मुझे अच्छा लगता। अच्छा चलो चलो तुम पढ़ के आओ। बाकी मैं दिखाना तो नहीं चाहता था किचन का कलर कैसा हुआ, बट कुछ ऐसा हुआ, बट दिखाना पड़ा। चलो यार सब कह रहे थे कि यार बताओ यार घर दिखाओ, सो कुछ ऐसा कलर हुआ, फिलहाल इतना ही देखते हैं। पूरा कंप्लीट घर तो ना तो टाइम लगेगा, उसमें भी एक महीने का टाइम आप लगा के चलो कि और लगने वाला है। अभी मैंने हेयर वॉश कर लिया, जैसे कि आप मेरे हेयर को देख सकते हो, ये आपके हेयर को डीपली नरिश करता है, साथ में स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करता है, बाकी आपके हेयर को टूटना फ्रीजनेस से भी बचाता है।
वाव की ओनियन 98% नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनी है, बाकी वाव के जितने भी प्रोडक्ट है वो फ्री फ्रॉम हार्श केमिकल, नो सल्फेट, नो सिलिकॉन, नो पैराबिन से है। और अगर आप वाव के प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है तो मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर उनको बाय आप कर सकते हो। देखिए हमारा प्लान था बाइक से जाने का, बट वो कैंसिल होकर ना गाड़ी से हो गया। बाकी सब बाइक से आएंगे, जो भी आएंगे देखा जाएगा। पहले मैं प्रवजोत के पास जाने वाला हूँ, उसके बाद प्लान डिसाइड करने वाला। पहले मैं हेलमेट भूल गया, वो लेके आता हूँ और फटाक से निकलता हूँ। अभी फिलहाल मौसम यहाँ तो बादल तो छा रखे बट बारिश नहीं हो रही है। घर से निकला था बारिश हो रही थी तो यार गूगली पड़ गई अपने ऊपर। बाइक से आता तो ज़्यादा बेटर रहता, क्योंकि ये ना गाड़ी से ट्रैफिक झेलना पड़ेगा। पहले मैं प्रभजोत घर जाऊंगा, फिर उसको छोटा सा काम है वो काम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे सीसीडी, तो वहाँ पे मुझे ट्रैफिक झेलनी पड़ेगी। फिर घर आऊँगा, रात के टाइम लेट हो जाएगा, तब वहाँ पे भी मुझे ट्रैफिक झेलनी पड़ेगी। तो मतलब ट्रैफिक ही ट्रैफिक होने वाली है मेरे लिए आज। सो प्रभजोत के ऑफिस में पहुंचे हैं। इसके ऑफिस को देख के ना मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है कि मैं भी शायद एक ऐसा ऑफिस बनाऊँ, और मुझे भी इच्छा है। मतलब मेरी चल तो रही है तैयारी कुछ ना कुछ, इसकी थोड़ी चल रही है अभी। अब एग्जैक्टली ऐसा तो नहीं बनेगा, भाई ने जो जो बनाया है ना, जो सजाया है ना, बिल्कुल शोरूम के टाइप सजाया है। नहीं नहीं ऐसा नहीं, लाइटिंग लूटिंग देख के यार लाइटिंग हो जाता है। लाइटिंग लूटिंग तो करनी पड़ती है, काम ही अपना कैमरे का, और कैमरे में लाइटें लूटें ना चमके तो मजा नहीं आता। बाकी मैंने देख रहा हूँ, कोशिश जा रही है, जो रिजल्ट आएगा आपको पता चल जाएगा। बाइक से जाएंगे तो सब मिलजुल जाएंगे ना, फिर एक साथ चल पड़ेंगे। मौसम भी नहीं है बाहर, पहले जब तू आ रहा था तब बारिश था ना, अभी मौसम ठंडा है। हाँ तो पहले मैं गाड़ी से इसलिए आ गई थी बारिश आ रही थी, तो अभी हाँ तो 310 लेके चलते हैं और सीसीडी जा रहे हैं। जैसे आपने बताया था सीसीडी हमें पहुंचने का टाइम है 5 बजे का, मैं 1 घंटे पे गपशप मार लिए तो 1 घंटे में सीसीडी हम आराम से पहुंच जाएंगे। 310 पे व्लॉग करते हुए आपका दोस्त कुलदीप राव है, पूरा कंप्लीट नाम लेना चाहिए, कुलदीप से नहीं चलेगा काम। बाकी अभी हम जा रहे हैं जहाँ पे हमें शिवरन मिलने वाले हैं, प्रभजोत हमें लीड करेंगे। बाकी 1250 यार जबरदस्त यार मस्त, 310 यार बच्चा लग रहा है जैसे अभी। ठीक है यार, ओ भाई बच के ऐसे नहीं भागते देख के। हम जा रहे हैं सीसीडी ताज, जो कि हमारी पुरानी फेमस डेस्टिनेशन है, जहाँ हमें जाना पसंद है, बार बार जाते रहते हैं, हर वीक में जाते हैं। अगर बाहर है तो बात अलग है, जैसे कि पिछले वीक में हम गोवा थे तो हम नहीं जा पाए, बट इस वीक में हम यहाँ पे हैं तो हम जाने वाले हैं सीसीडी। ये बाकी सब बढ़िया है, और यहाँ पे ट्रैफिक जाम लगता है आगे, और सिमरन खड़ा है वहाँ पे, सिमरन को हॉर्न दे रहा है। ओ सिमरन क्या हाल है, ओए निंजा। सिमरन करेंगे लीड, मुझे ऐसा लगता है वो तो लीड करते ही है भाई, वो पीछे थोड़ी ना रह सकते, उनको पीछे रहना नहीं आता है। चलो भाई लीड करो, और यहाँ पे थोड़ी सी भीड़ करो, थोड़ी छीड़ करो, जो भी करो जल्दी करो। अरे मौसम मस्त था, मैं बाइक लेके आना चाहिए था, वहाँ मेरी तरफ बारिश हो रही थी तो होने देते, थोड़ा सा भीज लेते, पर अब जो कह रहा है यहाँ पे नहीं हो रही है। मैं सोच रहा था कि थोड़ी देर में क्या पता वहाँ हो जाए। भाई देख ले टप्पू वाले, देख ले, ऐसा नहीं है कि पीछे से आ रहा तो तू कैसे मार देगा उसको, दबा देगा तू, है थोड़ा देख के। निंजा की आवाज़ सुन रहे हो आप, क्या कह रहे थे, रुक गया था। चलो मुझे समझ में नहीं आया क्या बोला, जो भी बोला सही बोला होगा यार। निंजा 1000, 310, 1250 सभी है भाई के, अलग अलग रेंज की बाइक है भाई, अलग अलग रेंज। भगा रहे हैं अच्छे मस्त, चला रहे हैं। ओए होए होए होए, पटाखे छोड़ रही है भाई ये तो, ये पकड़वाएगा हमें ये बेटे, वे बेटे मौज करा दी तूने तो, पक्की बात है। अब आ गया मैं दिल्ली की इन गलियों में, जो मुझे रास्ता पता नहीं है, तो सिमरन का पीछा करना पड़ेगा। पीछा करो सिमरन का पीछा करो, जो कि आसान नहीं है। सिमरन हो गया स्लो डाउन तो हम भी हो जाते हैं थोड़े से स्लो डाउन। ओए क्या करने वाले हो तुम, भगाने वाले हो? सिमरन की खतरनाक निगाहें, आगे खुला रास्ता, ओहो आंखें भीजते हुए ओ क्या साउंड था निंजा का, जाम इतना सारा जाम, ये कैसे किसने निकाल दिया घाम हमारा भाई, रुक जाओ जाम, इतना जाम क्यों करते हो, कहाँ से तू निकालेगा मुझे। यहाँ पे आज फिर भी है पर आज रुकवा नहीं रहे हैं, डिफेंस वाले हैं, अब कौन से वाले हैं ये मुझे पता नहीं, बट उस दिन रुकवा रहे थे आज नहीं रुकवा। यहाँ पे लग रहा है जाम, अभी अब देखेंगे पार्किंग, ये देख रहे बैरिकेड लगे, इसके उधर उधर पार्क करना है, उसके उधर उधर
ये क्यों यू टर्न मार रहा भाई? आगे 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 लगेगी बाइक के पहले तो यहाँ लग जाती थी, और आज से यार यहाँ पार्किंग भी मेरी छिन गई। अब कहाँ लगाऊँ मैं, इसके अंदर घुसा दूँ? घुस जाएगी, क्या कहते हो? सही कहते हो। हो गई अपनी पार्क, अपना ऑर्डर हो चुका है, ऑर्डर का वेट है, बाकी बाबूजी तो बैठे हैं। ऑर्डर देने मैं ही जाता हूँ यार, इनसे समझाओ कुछ। क्या ऑर्डर देने, तुम भी जाओ, तुम भी जाओ ऑर्डर देने। एक मिनट खाना, कैमरा भाई नहीं रखा, इधर नहीं फेंकूंगा, नहीं तेरा पोस ये लेना। अब कुछ बोल, जरा पीछे हो, थोड़ा पीछे हो, अब कुछ बोल, जरा जोर लगा के बोल। एडिटिंग तो मुझे ही करनी भाई। जब ये कुछ बोलता है ना तो इसका ये पेट है ना ऊपर नीचे होता है। एज यूजल अपना सामान हो गया चोरी, तो इसमें पूरा हाथ है डिम्पी का, नहीं सिमरन का हाथ है इसमें, और प्रभजोत का तो है ही। देखो ये जो पी रहा है ना ये मेरी है, और बाकी फिर से दोबारा ऑर्डर करके आना पड़ा मुझे। इस बार भी है ना कॉफी है, बट आधी आई, क्यों आई पता नहीं। ये आधी ये शर्म कर, शर्म पी, मैं बताता हूँ चोरी कर लिया। इतनी देर तो इधर उधर घूम रहा है, थोड़ा थोड़ा पीता रहा, उसको पता ही नहीं ऑर्डर किसका है। बिल्कुल यही बात है, सच्ची में मुझे ऐसे लग रहा है इनकी गड़बड़ है। बाकी ये नहीं पता क्या क्या खा रहे हैं, मेरा समोसे नहीं आए, मैं समोसे खाने थे। मैं तो कुछ नहीं आता भाई। अरे अब होगी इसकी स्टार्ट, अब लिम्पी पाजी की आदत, लिम्पी पाजी की आर एन टी करो भाई। कैसी है, क्या है एग्जॉस्ट, कैसा है दम? दम है लेकिन चलान में भी दम है, चलान में भी दम है 5000 का। आगे तो हमारे राउंड ऐसे कटते रहेंगे, रुकेंगे नहीं, पता ही कब रुकने वाले, राउंड ऐसे चलते रहेंगे। वो तो भाई उसको तो एक बार दे दो, कुछ भी दे दो, वो रुकता नहीं है भाई, नॉन स्टॉप। फिर तो दिखा देते हैं, ये अभी प्रभजोत को बाय करके और डिम्पी पाजी को बाय करके मैं आ गया हूँ। काफ़ी टाइम लगा दिया वहाँ पे, वो छोड़ ही नहीं रहे थे, मेरे पीछे चाबी ले ली थी उन्होंने, मैं बोला चलो यार जाने दो, माने नहीं, एक डेढ़ घंटा बैठे रहे, काफ़ी मस्ती करी, गप्पे मारे, मज़ा आया नो डाउट, बट लेट हो गया, काफ़ी लेट हो गया, अभी 11 बज चुके हैं, सोच रहे हो कितना लेट हो गया। और अभी जा रहा हूँ घर, अभी द्वारका वैसे मैं पहुँच गया हूँ, यहाँ पर ट्रैफिक नहीं है, बट आइसक्रीम वाले काफ़ी है, और ये घर से फ़ोन आ रहा है, सो पहले मैं बात कर लेता हूँ फिर आपसे बात करता हूँ। सो मैंने बता दिया कि मैं 10-15 मिनट में पहुँच जाऊँगा ज़्यादा से ज़्यादा, बट मुझे आइसक्रीम खाने का भी मन कर रहा है, तो मैं उसके लिए बीच में एक स्टॉप लूँगा और एक आइसक्रीम ज़रूर खा के जाऊँगा, क्योंकि वहाँ पे बस क्या करूँ, बिज़ी थे खाने खुने में, बिज़ी थे, आइसक्रीम का टाइम नहीं लगा, काफ़ी लेट हो गया था। मैं बोला अब अगर आप आइसक्रीम की कह दूंगा ना तो ये और टाइम लगा देंगे, तो मुझे इतना टाइम नहीं लगाना था, मैं जल्दी भाग के आ गया हूँ। और अब यहाँ से कहीं मैं आइसक्रीम ढूंढता हूँ, आइसक्रीम ढूंढना के मुझे पता है पॉइंट कहाँ पर आइसक्रीम मिलती है, तो वहाँ पर रुकता हूँ और आइसक्रीम खाता हूँ। अब भी जैसे कि आप देख रहे हो क्वालिटी वॉल्स तो नहीं है, पर मदर डेयरी है, तो इस पर से ही ले लेते हैं, जो भी ऑप्शन अवेलेबल होगा वही ले लेंगे, ज़्यादा ऑप्शन है ही नहीं तो यहाँ पर क्या करें, अब जो भी है उसी से काम चला लेंगे। बट बाकी इसमें कुल्फी के ऑप्शन सेम, लगभग सेम मिल जाते हैं। सो अभी रबड़ी कुल्फी ली है, बाकी केसर कुल्फी पसंद आती है, चाहे रबड़ी कुल्फी पसंद आती है, ड्राई फ्रूट कुल्फी, कुल्फी मतलब कोई भी कुल्फी हो उसमें थोड़ा सा स्वाद ज़्यादा आ जाता है मुझे। और बाकी अभी चलते हैं घर पे, खाते खाते चलेंगे यार। सो रीच्ड होम, मज़ा आ गया आज, वैसे ना मज़ेदार नाइट रही, इवनिंग रही, दोपहर से ही चल रहा था, मेरी मस्ती चल रही थी, बड़ा मज़ेदार रहा, जो भी कुछ रहा। बाकी अभी एक फ्यूचर में ट्रिप आने वाली है, उसकी भी थोड़ी बहुत प्लानिंग की, बाकी सब बढ़िया है। अभी तक लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या किया है, अभी करिए यार, ट्रिप आने वाली, ज़बरदस्त वाली ट्रिप आने वाली है, आपको मज़ा आ जाएगा उस ट्रिप को देख के। तो अभी तक स्टे ट्यून्ड रहने के लिए, वीडियो को अपडेट्स वगैरह जानने के लिए, तो ना अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिए, और शेयर नहीं कर रहे हो मेरी वीडियो, क्या कर रहे हो यार, शेयर कीजिए जितना हो सके उतना ज़्यादा, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, शेयर कीजिए रिलेटिव्स में, शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए, जल्दी से जल्दी से 1 लाख सब्सक्राइबर कराइए। मुझे पता है काफ़ी दूर है, बट स्टिल जल्दी करा के देंगे। बाकी इस वीडियो में इतना ही, रखता है, लिव योर लाइफ लिव योर ड्रीम, बाय।